राशि मिथुन राशि। सो कंपनी पई तमे किछि भी करि परियो बोली मु जानि गली। निश्चिंत मिथुन, तमे जहां कहबो मु करबी। कंपनी आगो को बढ़िबा दरकार। दिन राती मु कंपनी पई काम करबी। आज ही मु जॉइन करबी। आसो आज ठरु ही काम आरंभ कर देबी। कविता वेट, होल्ड ऑन, एते अर्जेंट काई कि तमे पर्यंत मु कंडीशन को ओके त कहिना। तुम्हें प्रथम कंडीशन रे राजी ही ए पेपर रे साइन कर आउ तापर तुम्हें कंपनी जीव सेठी काम करी कंपनी को उद्धार करबो सब किछ कर परबो तुम्हें। कंडीशन कौन कंडीशन कौन मामा कहिना थी तुमको ओके फाइन मु कहि दउ छी ऑफिस रे तमे काम करिवो कि नहीं से कथा ए कंडीशन पेपर उपरे साइन कला परे जना पड़िवो। राजी न होबर प्रश्न उठुनि मिथुन, एट एनी कॉस्ट मु कंपनी को फेरी भी पुणी थरे मु हरे सारी थिबा विश्वास को फेरी बा को चाहु छी। कंपनी डेवलप होबा दरकार। कहिबी एथेरे जो पेपर अछि सेथेरे तुमको साइन करबे कहबो। पेपर्स कौन पेपर्स? तमे हम कंपनी रा जने शेयर होल्डर्स माने अछि ना तमरा? हां तमो नारे जति के शेयर अछि से सब शेयर को मो नारे ट्रांसफर कर दो। आउ आगो को कंपनी रो कोनसी भी शेयर तमरो किछि भी राइट्स रहिबनी। तमे सो इच्छा रे निजे राजी हि तमो नारे थिबा शेयर तक मो नारे ट्रांसफर कर देबा पई एइटा होची लीगल डॉक्यूमेंट। निधर एतरे साइन कर दिला। कविता बहुत बुद्धिमती बोले मु भाभीथिली किंतु ए मिथुन तांको ठारु भी बहुत बड़ खेलाड़ी तांकरी बाण को से तांको आड़ को बुलेई देला। ए कोन कहू छ तुमे मो सब शेयर को तमनारे ट्रांसफर कर देबी? हां काहे की माने तमे करथिबा लॉस को फिल अप करबो के तमे हड़प करथिबा टंका कंपनी को फेरेबा पाई कंपनी रो सीओ हिसाब रे कंपनी रो रिकवरी करि दवा मोर कर्तव्य। ताकु रिकवरी करबा पई हेले तमो नारे जो सब शेयर अछि ताकु मो नारे ट्रांसफर करबा कहबो। तेबे जाई तमे हड़प करथिबा टंका कंपनी को रिकवरी हबो। एंड वन मोर थिंग कंपनी रो कोनोसी भी लाभ रे तमरो किछि भी शेयर रहिबनी। साइन न कले से कंपनी रे आंको पे जगह रहिबनी आ जदि साइन कले से कंपनी रे रही मध्ये आंकर किछि अधिकार रहिबनी। ए दीटा भितरु से जोटा भी स्थिर करिवे कविता ही हैरानी पड़िबे। एटा बहुत अन्याय कथा मिथुन मो शेयर गुडी को तुमको केमिति ट्रांसफर करबी तमरो कोनो मो पे विश्वास नाही। जे पर्यंत तमे धोखा न खाइछ से पर्यंत तमे कथा को विश्वास कर परिबनि किंतु धोखा खाइबा परे ना विश्वास रहिबो
ना बिजनेस भी रहिबो। सो तुम पाखे अन्य किछि भी बाट नहीं, या धीरे तुमको साइन करबे को हबो। कंपनी रे जदि पाद रखिबा को चाहछो ताले एतरे साइन कर दियो। निया साइन करो। किंतु अपा ए सब कथा मते कहि नथिले। मु ऑलरेडी मामा को ए बिषय रे कन्फर्म कर दिथिले। जदि से तुमको कहि ना दि ताले सेतरे मोर किछि बोल नै। कविता को से भल भाव रे लॉक कर देले। अपा कोन हो छै एठी? ए कंडीशन रखी के ऑफिस जिबा को कहि नथिले अपनो। हां कविता, बट काहे के तमे ए बिषय मते कहि नथिलो? कहि भी बोली भाभी थिली मु तते काले कहिले तू मन दुख करिवु तेनु मु कहि पारिलेनी। हेले तमे मो शेयर गुडी को केमिते ट्रांसफर करबे कथा कहू छ? ए कथा मामा कहि नथि। कहि छी मु कंपनी रहितबा लॉस को रिकवर करिया पई एटा होची गोटे बाटा तमको सिग्नेचर करबे को। एथिरे जदि तमे राजी हेलो ताले तमे मो ऑफिस भितर को जाई पारिबो, नहले ऑफिस कथा तमे मन रूप पोछि दियो। कविता एबे पानी रे पड़िले मरिबो, निया रे पड़िले भी मरिबो, गोटे प्रकार ही विष झड़े थिबा साप भलिया हे गला। मिथुन तू बहुत खराब व्यवहार करुछु, से घरर बहुत ताकु टिके देखि जाय कि कथाबार्ता कर। थाउ मामा आउ तमे किछि कोनि मते, तमे कहिलो केवल से गोटे कारण पई यांकु ऑफिस रे प्रवेश करे पई मु राजी हे गलि। ता बोली मु निजे चाहिबि निजे मो कंपनी रो कोनसी लॉस हो, लॉस हेथिबा टंका केमति रिकवर हेबो तार आंसरटा मते ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दबक हबो। सो कविता को पाखरे अन्य कोनोसी भी ऑप्शन नहीं, फाइनल वे एटा सेथरे साइन करबे, नहले ऑफिस रु दूरे रहंतु। ते कविता खाली बड़ बड़ कथा कही जानते, कंपनी भितर को जाई एमिती कर देबी सेमिती कर देबी कहले, किंतु से मिथुन को देखी ए किछि करबा पूर्व सब किछि से बंद कर दला। अच्छा बाबा मिथुन तू आउ थरे मामा तमे बेकार टेंशन नियो नी, कंपनी रो वर्कर को डेवलप पे किछि भी करियो बोली कविता निजे मुहर कहले। सो मोर विश्वास छ कविता एतरे निजे साइन कर देबे बोली। आई एम राइट कविता? निय धर साइन कर देले। कविता जम्मा भी साइन करिबोनि सेथिरे, भाई रखिथिबा कंडीशन सामनारे एक कविता पागेरिंग का भोले तोड़ी पड़ेबो। कौन हैला कविता? कौन हैला? किछि कहू ना तमे? साइन करबो इच्छा होनी, सेति पेठी आइछ। तुम्हें एमती चुपचाप ठिया मत जहाँ जना पड़ी तुमर साइन करने इच्छा ना। अच्छा कविता ये समय आगुरी कहूल कंपनी कि करी दिन राति कम करी कंपनी डेवलपमेंट करी एवं कौन है सेयार लिखिदे बोली कह मात्रे एई लेवल रे साइलेंट हे जे बोली मु भाबि नथिलि। सुनो तमको कंपनी आसिया पई हो कहबा पई मु राजी हे नथिलि कि एबे भी राजी नै, मामा कहिथिले सेइति पई से गोटे कारण पई राजी हेथिलि मु, काहे कि ना मो कंपनी रे जो लॉसटा हेछि ताकु मु निजे रिकवर करबी।
तुम बिजनेस पार्टनर जो पचार जे इनभेस्टमेंट रहा सब कड़े गला से सरी मुझ जानी ये सब डायलॉग मु प्रेजेंट कर पार तुम्हें थे साइन कर ना कंपनी रू आउट हबो निजे डिसाइड कर साइन करी कंपनी पाई मु सबु किछि करबाकु प्रस्तुत अछि बोली प्रूफ करी कर दे छी नियो एबी तो एटलीस्ट टिके मते विश्वास करथु बना जदि विश्वास करू न ताहले कुहो मु आउ कोन करबी जहा कहिबो करबी जणे मनीष जेते भलो काम करथिले भी से करथिबा गोटे भूल रु तार सबु भलो काम को भूली जानते एबे से कथा मु बुझी पारुची तम मन को ए पर्यंत शांति न मिलले भी मिथुन मते कह मु घर छाड़ चल जाऊ घर छाड़ी गला परे भी जदि तुमको खुशी न लगे ताहले दुनिया छाड़ी चली जी मिथुन तू जहा कलु किछि भलो कलु नि बाबा एमिति करबा बदल रे सीधा सीधा कहि दैथां तो तू ऑफिस जा ना बोली मामा तमे हजार कथा कोनी मु जो काम करछि पूरा पूरी ठीक काम करछि से भलिया लोक मो कंपनी ने दरकार नै मा थाउ तू आउ किछि कहनी ए भली पत्थर हृदय थिबा मणिस को मु कोठि देखिनी मासिम मन दुख करी कहें कि बसी छो किछि नहि कविता काकी जहा कहिले सुनि कि दुख लागु छि कि नहि रसी सेथि पै मन दुख करनी हेले पूरा सिचुएशन को मु भूल बुझि छि बोली मते लागु छि माने माने कविता फाइल रे साइन कले ताको नारे थिबा पूरा शेयर मो नागो आसी गले बोली मु भाबि नथली आ सेटा मोर उद्देश्य भी नथला ताहले को उद्देश्य रे साइन करबा को कहिले तांको कविता जेबे कंपनी रो टंका हडप कले सेही दिन ही मो विश्वास तांको पर हटि जायतला से हमको धोखा देबा को चाहचोती बोली मते लागितला हेले मामा कहतले जे तांकर एमिति करबा पछरे गोटे बडो कारण अछि से घर को रक्षा करबा पई चाहतले सेहि पई एमिति करचोती के जणी मामा को कथा पर मोर काई विश्वास हो नथला बट एबे हेई थई पारे मामा ठीक कहथले मते लागु छी तमुक एमिते काहे के लागु छी मु भावथली जे कविता स्वार्थी से विश्वास योग्य व्यक्ति नहे बोली मु मामा के सामने रे प्रूफ करे पय चाहथली आ मु ऑलमोस्ट कन्फर्म भी करथली राशि मु एकटा जानी थली जे से डॉक्यूमेंट रे साइन करबे नी बोली
ତାଙ୍କର ଏତେ ବର୍ଷର ଇନକମ୍କୁ ଏତେ ସହଜ ଭାବେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମାନେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେ ଜମା ବି ସ୍ୱାର୍ଥୀ ନୁହେଁ ରାଶି। ପ୍ରକୃତରେ ସେ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି କମ୍ପାନୀର ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରିଥିଲେ, ମୋତେ ଏମିତି ଫିଲ୍ ହେଉଛି ରାଶି। ଏଇଟା ହିଁ କ'ଣ କବିତାର ପ୍ଲାନ୍? ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି ବିଶ୍ୱାସ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ କମ୍ପାନୀ ସେୟାରକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେଲା। ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି, କବିତା ଏତେ ଗୁଡ଼େ ଟଙ୍କା ହରେଇ କେବେ ବି ଚୁପ୍ ହେଇ ରହିବେନି। କମ୍ପାନୀକୁ ଯିବା ପରେ ସେ ପୁଣି କିଛି ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବେ। ଏ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ମୁଁ ଭୁଲ ବୁଝିଲି ବୋଲି ତମକୁ ଲାଗୁଛି କି ରାଶି? ନାଇଁ ମିଥୁନ ବାବୁ, ଆମେ କାହାକୁ ଏତେ ସହଜରେ ଜଜ୍ କରିପାରିବାନି। କାହାର କେମିତିକା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିବ କେଜାଣି, ଆମେ କହିପାରିବାନି। ସାଇନ୍ କରିଦେବା ମାତ୍ରକେ ସେ ଭଲ ଲୋକ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି। ସେ ଯଦି ସାଇନ୍ ନ କରିଥାନ୍ତେ ସେ ଖରାପ ଲୋକ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବାନି। ତମେ ତାଙ୍କୁ ସେଦିନ ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲ, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇଥିଲ, ସେଥିରେ ତମର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ମିଥୁନ ବାବୁ। ସତ କହୁଛ? ହଁ, କମ୍ପାନୀ ବସ୍ ଭାବରେ ତମେ ଠିକ୍ କରିଛ। ମୁଁ ଯାହା ଭାବିଥିଲି ଯଦି ସେଟା କରେକ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କବିତା ସେଥିରେ ସାଇନ୍ କରିନଥାନ୍ତା। ଏତେ ବର୍ଷର ଇନକମ୍କୁ ସେ ଏମିତି ଛାଡ଼ି ଦେଇନଥାନ୍ତା। ତାର ସ୍ୱାର୍ଥ ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ମୋତେ ଫିଲ୍ ହେଉଛି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମାମା ଯାହା କହୁଥିଲେ ଠିକ୍ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ଭୁଲ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛି ଏଥିରେ। ଅଯଥାରେ ମାମା ଆଉ କବିତାଙ୍କ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍କୁ ହର୍ଟ କରିଛି ମୁଁ। ଗୋଟେ ପଥରର ମୂର୍ତ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଥର ତାକୁ ବାଡ଼େଇଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବନି, ତାକୁ ହଜାର ଥର ବାଡ଼େଇବାକୁ ପଡ଼େ, ବାରମ୍ବାର ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼େ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଗୋଟେ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ କହିଲ ରାଶି, ଥର କରି ଆମେ ଡିସିସନ୍ କିଛି ନେଇପାରିବାନି। ତମ ପିଠି ପଛରେ ବହୁତ କିଛି ଚାଲିଛି ମିଥୁନ ବାବୁ, ତମେ କିଛି ଭୁଲ କାମ କରିନ, ଏସବୁ କଥା ଜାଣିକି ବି ମୁଁ ତମକୁ କିଛି କହିପାରୁନି। କାହିଁକି ନା ତମେ ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ, ଆଉ ସେ ସବୁର ଉତ୍ତର ଯଦି ମୁଁ ଦିଏ ତାହେଲେ ଏ ଘରେ କ'ଣ ହେଉଛି ତମେ ସବୁ ଜାଣିଯିବ, ତମେ ବହୁତ ହଟ୍ ହେବ। ମୁଁ ତମକୁ ସବୁ ସତ କଥା ନ କହିବା ଯାଏ କିଛି ବି ତମକୁ ଏ ବିଷୟରେ କହିପାରିବିନି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ ସତ କଥା ମୁଁ ତମକୁ କହିଦେବି। ଏଇ ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା କବିତାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ଲାନ୍କୁ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ କରିଦେବି। ଅଫିସରେ ଆ ପରେ କୋଉ କୁକୁର ବି ସମ୍ମାନ ଦେବେନି, ବିଷ ଛଡ଼ାଇ ଦେଇଥିବା ସାପ ଭଳି ହେଇଗଲା ମୋ ଲାଇଫ। କବିତା ମ୍ୟାଡାମ୍ ବୋଲି ଯୋଉମାନେ ଡାକୁଥିଲେ ସେମାନେ ଏବେ କବିତା ଡାକିବେ। ମତେ ଏତେ ରାଗ ଲାଗୁଛି ଯେ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ସେ ମିଥୁନକୁ ଯାଇକି। କବିତା ଅପା, ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ? କାନ୍ଦିବି କାହିଁ, ନାଇଁ ନାଇଁ, ତମେ ଥାଉ ଥାଉ କାହିଁକି କାନ୍ଦିବି? ତୁ କାନ୍ଦୁଥିଲୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି କବିତା। ଦେଖିଦେଇଛ? କ'ଣ ହେଇଛି? ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କହିବି ଅପା, ଅଫିସରେ ଆଜିଠାରୁ କେହି ମୋତେ ସମ୍ମାନ ଦେବେନି, ସମସ୍ତେ ମୋତେ ସନ୍ଦେହ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବେ। ହଠାତ୍ ଏବେ ମୋଠୁ ମିଥୁନ ସବୁକିଛି ଛଡ଼େଇ ନେଲେ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଡାଉଟ୍ କରିବେ। ମୁଁ କାହା ପାଖକୁ ଯିବା ମାତ୍ରେ ମୋ ସହ କଥା ହେବାକୁ ଖରାପ ଲାଗିବ, କେମିତି ଥିଲି କେମିତି ହେଇଗଲି ବୋଲି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ମୋତେ। ଏବେ ମୋର ଏତେ ବର୍ଷର ପରିଶ୍ରମ ସାଧନା ମୋ ଲାଇଫକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେଇ ମୁଁ ସାଇନ୍ କରିଦେଲି, କାହିଁକି ଏତେ ଅପମାନ ସହୁଛି ଭାବି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଅପା। ସରି କବିତା, ଆ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ବାଟ ନଥିଲା ମୋ ପାଖରେ। କବିତା ଅଫିସ ଆସିବନି, ଆଉ ଯଦି ଆସିବ ତାହେଲେ କମ୍ପାନୀର ସେୟାର ସବୁ ମୋ ନାଁରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବା ଦରକାର ବୋଲି ମିଥୁନ କହିଲା। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି, ମୁଁ ତତେ ସେ ସମୟରେ ହେଲ୍ପ କରିପାରିଲିନି। ସରି କବିତା। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଅପା, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ବୋଲି ଜମାରୁ ଭାବନି, ପୁଣି ଅଫିସରେ କାମ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛ ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ। ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ହରେଇବା ପରେ ମୁଁ ରୁହେ କି ନ ରୁହେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନି ଏବେ।
मु बंचिकी मध्य मरिला भळे मो हरे थिबा विश्वास को मते पूर्ण थरे फेरिबा को हो बापा मिथुन मते निश्चय साबासी देबे मु जेमित बेहो डेवलप करिबी अपा मिथुन को विश्वास को मु पूर्ण थरे हासिल करिबी कंपनी रो मो पई हेथिबा क्षति को डबल भाबर फेरेई देबी सेमिति ही करिबी मु खाली एतिके नुह जेते अपमान हेले भी मु सहिबी हेली तो स्वामी करिथिबा धोका पई तो साथीरे धोका होउछ बोली मते कष्ट लागुछ कविता छाड़न तो से कथा अपा किछि लोक से सब हरेबा पई ही जन्म हि थांते मो साथीरे धोका हेले मोर असुविधा नाही किंतु मो पई अन्य केहि कष्ट न सहंतु बस नाही कविता मु थिबा जाय तो साथीरे धोका हबा को मु जमा भी देबिनी तोरो जहां अधिकार अछि निश्चय तो नारे करबी किंतु मते किछि समय दरकार बस